My school. My school. Every day in hot and cool, I daily go to my school. Hello everyone, welcome to Saffron English Medium School. Today we learn maths in senior KG. Busy bees 25. उसमें हमें दिया है शेप्स, शेप यानी कि आकार। यहाँ पे हमें ये जो शेप दिखाई दे रहा है वो शेप है ओवल शेप। कौन सा शेप है ये शेप? ये शेप है ओवल शेप। ओवल यानी कि अंडे जैसा आकार। इसे कैसा आकार बोलते हैं? ओवल शेप। उसे अंडे जैसा आकार भी बोलते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है? यूजिंग थम इम्प्रेशन कलर द ओवल रेड। हमें यहाँ पे ये जो ओवल शेप दिखाई दे रहा है उसमें क्या करना है? हमारा ये जो थम है उसका इम्प्रेशन का यूज़ करके हमें ओवल शेप में रेड कलर करना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे? हमारे पास ऐसे वाटर कलर होंगे तो वो हमें लेने होंगे। उसमें ये जो रेड कलर है उस रेड कलर को हमें हमारी जो वाटर कलर की ऐसी ट्रे आती है उसमें या फिर आपके घर पे जो कटोरी हो उसमें निकालना होगा। देन हमें ये कलर में हमारा जो थंब है उसे प्रेस करना होगा। देन ये जो ओवल शेप है उसमें उसकी ऐसे इम्प्रेशन लगानी होगी। लगे कि कलर कम हो गया, देन अगेन डीप योर थंब इन कलर एंड यहाँ पे आपको प्रेस करते हुए ये पूरे ओवल शेप में आपकी थंब इम्प्रेशन लगाना है। अगेन डीप योर थंब इन योर रेड कलर एंड प्रेस इट एंड कलर इट प्रॉपरली। तो आपको ये कब तक करना है कि आपको लगे नहीं कि आपका पूरी जो ओवल शेप है उसमें अच्छे से थंब इम्प्रेशन आ गई है, तब तक आपको ये पूरे ओवल शेप में अच्छे से कलर करना होगा। सो ये क्या हुआ? ये हमने ओवल शेप में हमारे थंब इम्प्रेशन लगा दिया है। क्या किया है हमने? ये ओवल शेप में हमने हमारा थंब इम्प्रेशन लगा दिया। तो ये बहुत ही इजी है। ये शेप कौन सा दिखाई दे रहा है? ओवल। ओवल यानी कि अंडे जैसा शेप। इस शेप में हमने क्या किया? हमारी थंब का यूज़ करके थंब को हमने रेड कलर में डीप किया एंड देन हमने यहाँ पे थंब इम्प्रेशन लगा दी। तो ये यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन।